ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये चैप्टर एक्चुअली है क्या, आप मुझे बोल सकते हैं, कोई बड़े बड़े कंपनीज इंडिया के, आईटीसी, रिलायंस, टाटा, विप्रो, इंफोसिस और L&T, ICICI बैंक और HDFC, बहुत सारे हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे, रियलिस्टिक। अच्छा ठीक है, ये एक चीज बोलो कि तुम ये कंपनीज बड़े हैं किस बेसिस पे बोल रहे हो, मतलब इनका प्रोडक्ट ज्यादा जगह देखे बोल के बोल रहे, रेवेन्यू ज्यादा है, मार्केट कैप ज्यादा है। चैप्टर 6, मार्केट कैप क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, मतलब करंटली कितने शेयर्स लोगों के पास है या फिर बाहर है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। तो ये जो भी कंपनीज है इनमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों लिस्टेड है वो कंपनीज, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के पहले हम क्या सोचेंगे, वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है और रिटर्न्स क्या है शेयर के प्राइस के और परफॉर्मेंस क्या है कंपनी का। हाँ, मार्केट कैप कितना है, यस, सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी क्या काम करती है, ठीक है, यस। तो अगर हम लोग बिजनेस या फिर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, दैट मींस हम कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड इफ वी आर रेफरिंग इंडस्ट्री या फिर सेक्टर, दैट मींस हम लोग वो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है उस बारे में बात करेंगे। व्हाट इज इंडस्ट्री, हाँ, ऐसे कंपनी जो सेम एक्टिविटी करते हैं उनका ग्रुप, रियल एस्टेट सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर में कौन सी कंपनीज है, आईटीसी, पार्ले, नेस्ले, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि। हाँ अच्छा, पतंजलि की आज न्यूज आई, सुने क्या, ठीक है, उन्होंने एक कंपनी एक्वायर किया था रुचि, हाँ, तो अभी उसका नाम पतंजलि फूड्स कर दे रहे, इसलिए आज शेयर का प्राइस बढ़ा, ठीक है, नहीं रे इतना अच्छा बोल दो उसके लिए, ठीक है। तो तुमको ये तो समझा कि कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कितना अर्न कर रही, कितना रेवेन्यू है, फिर उसके बाद में कंपनी के मालिक कौन है ये भी अफेक्ट करता क्या। तुमने सुने रहेंगे राकेश झुंझुनवाला जो कंपनी के शेयर्स बाय करता है उसके प्राइजेस हाई हो जाते, क्यों, क्योंकि उसने कुछ दिमाग लगा के ही खरीदा है, लाइक ओनर इंपॉर्टेंट है, या फिर टाटा ग्रुप, क्योंकि रतन टाटा टाटा ग्रुप के ओनर है तो हम अभी भी उसको ट्रस्ट करके प्रोडक्ट बाय करते, राइट, यस, ठीक, हाँ, तुम नहीं करते हैं, तुम पतंजलि वाले, ठीक है। अभी ये हम जो बोल रहे हैं कि हमको इन्वेस्ट करने से पहले स्टडी करना है, ठीक है, तो ये जो भी लोग स्टडी करते हैं उनके कुछ क्राइटेरियाज है, मतलब उनको कुछ बोलते हैं, अच्छा ठीक है, इधर मैं लिख रही क्योंकि मैंने वो, ठीक है छोड़ो, मतलब कुछ लोग रहते हैं जो कंपनी का डेटा एनालाइज करते हैं, ठीक है, वही बोल रहे हैं हम लोग स्टडी करके फिर इन्वेस्ट करेंगे। कुछ लोग कंपनी के लिए काम करते हैं और हम लोग कंपनी बाय करने के लिए देख रहे हैं, एनालिसिस है ना, हाँ, और वो लोग कंपनी को ग्रो करवाने के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, समझा, मतलब ऐसे एनालिस्ट जो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले बजट एनालिस्ट, बजट का मीनिंग क्या है, एनालिस्ट बजट मतलब क्या, फ्यूचर के मतलब क्या बोलते हैं, एंटीसिपेट करना फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज गेन्स, ठीक है, ये कंपनी को हेल्प कैसे होगा, बजट एनालिस्ट हेल्प कैसे करेगा, फ्यूचर एक्सपेंडिचर प्लान करके। सुनो, बजट एनालिस्ट क्या करते हैं कि कंपनी का पास्ट ट्रेंड क्या है, कितना खर्चा होता है कंपनी का, कितने रेवेन्यूज रहते हैं, कितना बेचते हैं प्रोडक्ट,
और पास एक्सपेंडिचर्स, क्या बोलते उसको, एबनॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम सब मिला के वो एक फ्यूचर का प्लान बना के देते कि नेक्स्ट ईयर में आपका सेल अप्रॉक्स इतना होना चाहिए, एज पर इन्फ्लेशन आपका कॉस्टिंग इतना बढ़ जाना चाहिए, तो जिससे कंपनी को अपने खर्चे कंट्रोल करने में एंड दस प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प होती। ठीक है, तो बजट एनालिस्ट क्या डिसीजन फाइनल रहेगा, क्या उन्होंने बोल दिया इतना खर्चा इतना एक्सपेंडिचर ऐसे ही होगा? नहीं, वो सजेशन देते कि क्या करे तो क्या बेटर है, या फिर कैसे फाइनेंशियल दिख रहे आपके कंपनी के फ्यूचर में, तो कंपनी उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाती है। सपोज बजट में समझ में आ रहा कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर बहुत फालतू का खर्चा कर रही है कंपनी एम्प्लॉयज पे, तो कंपनी वो अवॉइड करेगी ना अगले साल ऐसा। तो दिस इज व्हाट बजट एनालिस्ट डज। इससे क्या होता है, कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या बोलते हैं उसका जो भी सेल्स वगैरह मैनेज करने में कंपनी को हेल्प होता है। सेकेंड है फाइनेंशियल एनालिस्ट। अच्छा एनालिस्ट, ठीक है जो भी है, स्पेलिंग जान दो। बजट एनालिस्ट कंपनी के पास्ट एक्सपेंडिचर्स, पास्ट रेवेन्यू के हिसाब से फ्यूचर एंटिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करते हैं, क्या करेंगे, फाइनेंसिस देखेंगे, एक्सपेंसिस बजट हो गया, इन्वेस्टमेंट कंपनी के या फिर कंपनी का इक्विटी शेयर प्राइस सही है क्या, ऐसी सब चीजें। इनको बहुत सारे नाम है, सिक्योरिटी एनालिस्ट, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट एंड रेटिंग। यस, ये बेसिकली कंपनी को माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है कंट्री के उससे इन्फॉर्म करवाते और अपने फाइनेंसेस पे उसका क्या इंपैक्ट होगा वो बताते। जैसे कोविड का सिचुएशन है तो अब ये फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे कि और 4 साल तक इसका इंपैक्ट दिखेगा कंपनी पे, तो कंपनी ने कौन से चीजों में इन्वेस्ट करना है, कौन सी चीजें अवॉइड करना है, ये सब फाइनेंशियल एनालिस्ट बताते हैं। ठीक है, yes. उसके बाद मतलब सपोज मर्जर फॉर एक्विजिशन है, ठीक है, कंपनी को कोई और कंपनी बाय करना है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फाइनेंशियल एनालिस्ट बताएगा कि कितना स्ट्रेंथन होगा कंपनी का, क्या बोलते हैं उसका फाइनेंसिस वो बाय करने से, ऐसी चीजें। देन मैनेजमेंट एनालिस्ट, मैनेजमेंट एनालिसिस ये जो भी है ये बेसिकली एमबीएस टाइप्स, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन पे कंपनीज उनको अप्रोच करती है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम बेसिस पे ये काम करते हैं, जनरली फ्रीलांसर्स रहते हैं, फ्रीलांसर्स मतलब फ्री में काम करते हैं फ्रीलांसर्स, वो किसी एक कंपनी को टाई अप नहीं रहते, वो फ्रीली हर केस टू केस अवेलेबल रहते। ठीक है, मतलब जॉब नहीं कर रहे वो या फिर बिजनेस नहीं कर रहे, बाइंडिंग नहीं है कोई उन पे, ऐसा फ्रीलांसर्स मतलब। तो मैनेजमेंट एनालिसिस जनरली फ्रीलांसर्स रहते और कंपनी उनके पास अप्रोच करती कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्व करवाने के लिए, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। मतलब जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, सपोज कंपनी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलत हो रहा है अपने मैनेजमेंट में, तो कंपनी उनके पास जाएंगे और पूछेंगे हमारा ये चेन है एक्टिविटीज का, इसमें क्या गलत हो रहा है ऐसे। देन फोर्थ वन इज मार्केट एनालिस्ट, ये क्या करेंगे, मार्केट रिसर्च का मीनिंग क्या हुआ, मतलब अपनी गुड्स बेचने लायक है क्या, या फिर कितना मार्केट अवेलेबल है, न्यू मार्केट्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या, या फिर क्या क्वालिटी में सुधार चाहिए, प्राइसेस कम हो सकते हैं क्या, प्रोडक्ट रिलेटेड चीजें बेसिकली मार्केट रिसर्च एनालिस्ट मतलब वो हेल्प करेंगे। तो इससे भी कंपनी को हेल्प होगी क्या ग्रो करने में, यस yes. ठीक है, मतलब मार्केट के कंडीशन ट्रेंड्स जैसे जैसे चेंज हो रहा वो हमको समझ में आएगा थ्रू मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। तो ये चार लोग आपको इनकेस, वैसे तो चैप्टर 3 में बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए, स्टिल अगर उसका दिमाग सरक गया और यहां से कुछ पूछा तो आना चाहिए। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से कोई रीड करना चाहता है, पारस किया ना ऑलरेडी रीड, कोई न्यू इधर गर्ल्स में से, हर्ष वर्धन टू रीड करेगा, छोड़ो मैं रीड कर रही, मामा नहीं है पास करने को माइक, सुन लो मैं बहुत फास्ट रीड कर रही, तुमको तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है तो बेटर नहीं तो यहाँ पे
थिंक ऑफ योर फेवरेट प्रोडक्ट एंड देन भैया वो बाइक पास करना है। अरे मामा अर्थ वालो। अच्छा मामा अर्थ क्या है बोलो, कंपनी में आएगा स्टार्टअप में आएगा? स्टार्टअप है क्योंकि अभी वो अपना मार्केट ग्रो कर रहे हैं। ठीक है मैं रीड कर रही हूँ सुन लो। हाँ उधर जा उधर जा। ठीक है ए एवरीवन मैं रीड कर रही हूँ, सामने में रहता हूँ, उसका टेक्स्ट बुक है तो उसमें देखो। थिंक ऑफ योर फेवरेट प्रोडक्ट एंड देन थिंक अबाउट द कंपनी विच ऑफर्स इट। गौरव सामने आना है। और थिंक ऑफ अ कंपनी यू वॉन्ट टू वर्क विथ। द फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट कम टू आवर माइंड्स आर व्हाट डज दिस कंपनी डू, व्हाट आर द प्रोडक्ट सर्विसेस ऑफ दिस कंपनी एंड हाउ बिग इज इट, हु ओन्स द कंपनी एंड मोर सच क्यूरियस क्वेश्चंस। अ कंपनी ओवरव्यू इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एक्वायर बिजनेस इंटेलिजेंस एंड गेन वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी, इट्स बिजनेस, देयर प्रोडक्ट, सर्विस एंड प्रोसेसेस, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर, सप्लाइज, कॉम्पिटिटर्स एटसेट्रा। However, company overview requires the expertise of qualified professionals as it involves a detailed analysis of the company history, its structure, philosophy, portfolio of products and services, clients, important information about finance, human capital, technological resources, marketing capabilities, etc. In order to meet the needs of competitive environment, with many quick and accurate tools of the information age at their disposal, it becomes essential for business professionals such as budget analyst, financial analyst, management analyst, and market research analyst to analyze business practices, identify potential business problems, market requirements, and provide financial, marketing, or managerial solutions. Budget analysts help companies and organizations to keep their finances on track. They prepare budgets, the plan of expenditure, and develop forecasts. Future-oriented planning based on past expenditures and economic trends. Budget analysts are vital to achieve financial goals, maintain profitability, and attain long-term growth. While they do not make final decisions regarding budgets, their expertise is strongly valued by management leaders. Final decision nahi hai, but management value kar raha hai unka expertise. Aur vital ka meaning tha bahut important. Uske baad mein yahan pe ek aur word tha prospects. Prospects matlab future mein kya unke प्रोजेक्ट या फिर एक्सपेक्टेशन है बेसिकली। फाइनेंशियल एनालिस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और रेटिंग एनालिस्ट। एज द नेम सजेस्ट दे फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट। दे ऑफर एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल क्लाइंट्स एज अ कोर पार्ट ऑफ द जॉब। अ फाइनेंशियल एनालिस्ट रिसर्च माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अलोंग विद द कंपनी फंडामेंटल्स टू मेक बिजनेस सेक्टर एंड इंडस्ट्री रिलेटेड रिकमेंडेशंस। दे ऑल्सो ऑफन रिकमेंड अ कोर्स ऑफ एक्शन सच एज बाय और सेल कंपनी स्टॉक बेस्ड अपॉन इट्स ओवरऑल करंट एंड प्रेडिक्टेड स्ट्रेंथ। इजी है बेसिकली। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन के लिए हम किसके पास जाएंगे? फाइनेंशियल एनालिस्ट के पास। और हमको अगर हमारे एक्सपेंसेस वगैरह देखना है तो बजट एनालिस्ट के पास। मैनेजमेंट एनालिस्ट आर ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। दे वर्क विद द हेड्स ऑफ बिजनेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स वर्क ऑन केस बेसिस वेयर दे आर प्रेजेंटेड विद अ प्रॉब्लम सेट एंड दे वर्क टू फाइंड वायबल सॉल्यूशंस टू इट बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड जॉब रोल्स फॉर प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स अराउंड द वर्ल्ड। Unlike the other types of analysts listed in this section, management analysts are more likely to work as a freelance consultant. वो कंपनी का binding नहीं है। Budget analyst, financial analyst generally एक कंपनी का एक रहता है ताकि उसको in detail सब पता रहना। Yes. Market research analyst studies strengths and weaknesses of organization in order to advise a company about the decisions to be taken to increase its market share and profitability. They study market conditions to examine potential trends of sales of a product or service. They help companies to understand what products, what kind of features and quality in the product customers need, who will buy them and at what price.
They offer an overview of the market and help the organization to compare itself with its competitors and bring about changes and new products to lure more customers and win over competition. Lure मतलब attract, मतलब ज़्यादा customers gain करने के लिए. और कुछ doubt है word में किसी? ठीक है, ये जो भी ऐसे important है वो underline करके रखो. Chart बनाना है तो बना के देती, बना दू क्या फिर तुमको टेक्स्ट? सुनो एक सेकेंड, हाँ ये मैं बोलना भूल गई. अभी इसके बाद में हम मतलब चैप्टर, सारे चैप्टर के लिए मॉड्यूल रेफर किए थे और नोटबुक में लिखे थे. ये चैप्टर के लिए हम लोग टेक्स्ट बुक रेफर नहीं करेंगे. मैं ये चार्ट बनाई हूँ समराइज, मतलब जो तुम्हारा अप्रोक्स 73 पेजेस का टेक्स्ट बुक है उसमें से लास्ट के चार पांच समझ क्वेश्चन है, तो 70 पेजेस की जगह ये 15 पेजेस का चार्ट है और ये अपडेट कर दिया है मैंने हर साल, मतलब सेम फॉर्मेट रहता है. तो यू हैव टू जस्ट रीड दिस एंड नोटबुक में जो अपन चार्ट अभी बना लेंगे उतना बस, ठीक है? तो टेक्स्ट बुक इसके लिए भी रेफर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिटरली कंपनीज कैसे दिए हैं देखो, ऐसे वर्ड्स में दिया है, इसको चार्ट में ज्यादा फटाफट हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा के लाइन्स हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो फिर लिख लो एक बार का क्या. हाँ पीडीएफ नहीं, मैं तुमको प्रिंट आउट अभी आज अपने को नीडेड नहीं है, आज या कल सुबह मिल जाएगा, दे दिया है प्रिंटिंग को, कल कलेक्ट कर लो. ठीक है सुनो, बस ऐसे ही लिखना है, हेडिंग दे दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस प्रोफेशनल हेडिंग देके ये लिख लो. तुमको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो टेक्स्ट बुक में देख के लिख लो, बजट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजमेंट एनालिस्ट एंड मार्केट रिसर्च एनालिस्ट. लिखा रही लिखा रही, दो छोटा छोटा ही है. तुमको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे तो बिल्कुल पूछो क्योंकि इधर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही, ऊपर करना है. हाँ मतलब तुमको टेक्स्ट देखना है ये वाला, फिर रुक जाओ दो मिनट में ऊपर, उतना छोड़ दो पॉइंट, आगे का स्टार्ट करो.
हो गया। लिखूं? लिख रहा हो? गौरव नोटबुक बता ऊपर ऐसे कर। अपने को मॉड्यूल पढ़ना नहीं है इसलिए अपन नोटबुक बनाए। रफ पेज पे लिख और वो पेज चिपका घर जाके। अरे मॉड्यूल फेंक दे, पढ़ना ही नहीं है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है बट इतना कुछ नहीं। हो गया लिखना? अरे जल्दी। हो गया क्या? ते को ज्यादा दिख रहा हूं, जल्दी बोलो ऐसे। स्क्रोल अप करूं? हो गया। दिख रहा था तुझे यहां से? दिख रहा? हो गया ना लिखना? हाँ जिनका बाकी है जल्दी लिखो। अभी है ना इसके बाद मैं ऐसा रीडिंग वाला नहीं, मैं जो भी कंसेप्ट है फटाफट बता के आगे चल रही ठीक है इसके बाद, क्योंकि वो तुम वो कंसेप्ट समझ गया तुम्हें इनफ है, नहीं पूछेंगे। हो गया अभी यहाँ पे बोला कि हम आगे जो भी कंपनीज पढ़ रहे हैं वो बेसिकली निफ्टी 50 के बेसिस पे। व्हाट इज निफ्टी 50 बोल दो। 30 कंपनीज, 30 50 कंपनीज कौन से वाले? हाँ हमारे सुनो निफ्टी 50 हम लोग हमारे इंडिया का बनाते हैं, जो भी लिस्टेड कंपनीज है उसमें टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग 50 कंपनीज पार्ट होते हैं निफ्टी 50 का। मुझे बोलो निफ्टी 50 हमेशा सेम रहते हैं क्या? कंपनीज कितने डिवीजन में चेंज होते हैं? हर 6 महीने में एक बार चेंज होते हैं और ज्यादा चेंजेस नहीं होता, जनरली 4-5 कंपनीज ही चेंज होते हैं ठीक है। तो निफ्टी 50 कंपनीज का बनता है जो स्ट्रॉन्गली परफॉर्म कर रहे हैं हमारे कंट्री में। यस तो आगे के ऑलमोस्ट हम लोग रिलायंस, विप्रो, इंफोसिस बहुत सारे कंपनीज पढ़ने वाले वो इसी बेसिस पे लिए गए। और सेक्टर मतलब क्या है? सेक्टर या फिर इंडस्ट्री मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी करने वाली ग्रुप ऑफ कंपनीज ठीक है। फिर ये तो ऐसे ही है। हाँ अभी एक ये चार्ट देखो, बेसिकली हमको कोई कंपनी का क्या क्या पढ़ना है डेटा ठीक है। सबसे पहले तो कंपनी का नेचर, इंडियन कंपनी है ग्लोबल कंपनी है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, ऐसी चीजें। जैसे अगर मैं टाटा बात करूं तो वो बहुत सारे सेक्टर्स में है क्या? टाटा कौन से सेक्टर्स में बोलो? ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीसीएस कंपनी है, टाटा मोटर्स है ऑटोमोबाइल की, और टाटा का एफएमसीजी भी आती है, टाटा टी एंड ऑल, यस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यस, और टाटा स्टील, यस, इंश्योरेंस भी है, सर्विसेस, सेक्टर पर्टिकुलर सेक्टर बोलो। हाँ वो एफएमसीजी हो गया। हाँ एयरलाइंस में भी विस्तारा टाटा के। तो बहुत सारे सेक्टर्स में, एक सेकेंड सुनो, ये सब सेक्टर कॉम्पिटिंग है नॉन कॉम्पिटिंग है? कॉम्पिटिंग है। कुछ
मुझे बोलो कि टाटा स्टील का टाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीसीएस है, उसे क्या कनेक्शन, क्या कॉम्पिटिशन है? नॉन कॉम्पिटिंग, अरे दूसरे नहीं, टाटा के खुद के लिए बोल रही मैं, नॉन कॉम्पिटिंग कंपनीज है तो इसको बोलते कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट, ये कॉन्ग्लोमेरेट मतलब एक ही ग्रुप ऑफ कंपनीज जो नॉन कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स में डील करता है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस की आपको देखो पेट्रोल में है, ऑयल में है, कपड़े क्लोथिंग में है, अपने नांदेड़ में बोलो रिलायंस की कौन सी चीज है पता है? रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल, हाँ पेट्रोल पंप भी है रिलायंस का, जियो टेलीकॉम सेक्टर, फोन भी आते क्या? तो बहुत सारे ऐसे है जो नॉन कॉम्पिटिंग है, ट्रेंड्स का रिलायंस डिजिटल के साथ कुछ कॉम्पिटिशन है क्या? नहीं। तो ऐसे कंपनीज जो नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेसेस में है उनको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। वापस बोलो क्या बोलते हैं? यस, कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं? नॉन कॉम्पिटिंग, जो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में नहीं है, ऐसे बिजनेसेस। यस, तो हमको नेचर देखना है, कंपनी क्या बिजनेस में है और इंडियन है या ग्लोबल कंपनी है, फिर उसके बाद में हेडक्वार्टर कहां पे, कंपनी का मेन ऑफिस रजिस्टर्ड, फिर इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, फाउंडर कौन है, चेयरमैन सीईओ सीएफओ वो सब कौन है, कंपनी किस प्रोडक्ट लाइन में डील करती है, अगर वैरायटी है कॉन्ग्लोमरेट है तो बहुत सारे आएंगे, अभी ये रैंकिंग में आपको बताती ठीक है, और नेम अगर कुछ चेंज हुआ है कंपनी की हिस्ट्री में तो वो, और कंपनी का कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे प्रेजेंटली कंपनी ने क्या क्या एक्वायर किए हैं, कौन से दूसरे कंपनीज या कुछ न्यू इनोवेशन लेके आए हैं, वो सब यहाँ पे जो फोर्ब्स है, मतलब हम लोग रैंकिंग देख रहे कंपनी की, सेम रैंकिंग है फोर्ब्स की, वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड वाइड लिस्ट बनाता है फोर्ब्स की सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है, तो ये रैंकिंग में क्या रैंक है, फिर उसके बाद फोर्ब्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट, मतलब कौन सी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बेस्ट सिचुएशंस प्रोवाइड कर रही है ऐसा, तो बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट, और थर्ड है फॉर्च्यून 500 कंपनीज, वर्ल्ड वाइड 500 टॉप कंपनीज निकाले जाते हैं जिनको फॉर्च्यून 500 बोला जाता है, तो जनरली ये ग्लोबल कंपनीज का रैंकिंग है, लाइक एप्पल हो गया, फिर वॉलमार्ट हो गया, ये फॉर्च्यून 500 में आते हैं। यस, तो हम लोग ये आगे आगे देखेंगे कि क्या है, बट तीन रैंकिंग देखना है, कोई कंपनी का सिर्फ वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन का रैंकिंग है, बाकी दो नहीं है, कोई कंपनी का फॉर्च्यून 500 भी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन भी है, बेस्ट एम्प्लॉयर्स नहीं है, तो वो जो इम्पोर्टेंट है याद करने लायक वो मैं करवा दूंगी, और जो थाउजेंड में रैंकिंग है वो हम लोग याद नहीं करेंगे, सिर्फ लिखा हुआ रेफरेंस रखेंगे। ठीक है, रेडी है तुम लोग? हाँ, यहाँ पे वही है कि फोर्ब्स एंड फॉर्च्यून 500 के रैंकिंग हमको आगे देखना है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक सुनो, ये पैराग्राफ में रीड कर रही हूँ ऊपर से, कि कुछ इवेंट रहते हैं जो एनवायरमेंट को डेली बेसिस पे अफेक्ट करते या इन्फ्लुएंस करते, जिससे ये जो भी लिस्ट है ये अपडेट होते रहती। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिजनेस इवेंट्स हैपनिंग इन डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स एंड हाउ दे इंपैक्ट कंपनीज एंड देयर बिजनेसेस, बेसिकली ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा, गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज एंड देयर परफॉर्मेंस, ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू पॉलिसीज, performance of different sectors of economy on the contemporary measures of growth and development, contemporary matlab saath mein chalne wale measures, economic conditions indicators or factors and their movement with positive or negative impact on different companies and their business, for example covid ke time ke wajah se, actually maine last time jab ye chapter padhaya tha aur abhi ke rankings mein bahut farak hai, kuch kuch companies ke ranks 50 se upar ya niche ho gaye, to ye sab affect hota hai, फिर स्टॉक मार्केट मूवमेंट, देयर परफॉर्मेंस एंड फ्लक्चुएशंस इन शेयर प्राइस ऑफ द कंपनीज और ग्रुप ऑफ कंपनीज, मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, जॉइंट वेंचर्स, कंसोर्टियम, फ्यूचर एंडेवर्स और ऑफ डिफरेंट कंपनीज, कंपनीज गोइंग ग्लोबल थ्रू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ओपनिंग सब्सिडरी कंपनीज, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन मार्केट, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट चेंजिंग और शिफ्टिंग फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल चाइना में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होने वाले थे वो इंडिया में हो रहे, तो ये हमारे लिए, हमारी मार्केट के लिए अच्छी चीज है। आज एक न्यूज आई है, एप्पल का आईफोन 13 इंडिया में मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गया, तो लो मतलब जिसको लेना है अब सस्ता मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें अफेक्ट करती है दूसरी भी कंपनीज को क्या,
आईफोन इधर मैन्युफैक्चर हो रहा तो इसका इनडायरेक्ट अफेक्ट एमआई रेडमी पे होगा क्या? होगा, क्योंकि प्राइस आईफोन का थोड़ा भी कम हो गया तो लोग अपने करेंगे ऐसे। न्यू मार्केट्स एमर्जिंग अक्रॉस द ग्लोब, एडवर्टाइजमेंट टेंडर्स, एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। टेंडर्स मतलब गवर्नमेंट का कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनको, ऐसी चीज, ठीक है। ये सब अफेक्ट करता है कंपनीज को। अभी ये बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्पोर्टेंट एज वेल कि सीईओ, चेयरमैन, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर में डिफरेंसेस क्या क्या है। आप लोग कंपनीज एक्ट में पढ़े होंगे चेयरमैन, नहीं? ठीक है, अभी फाइनल में शायद, फिर इंटर में होगा। तो कंपनीज में ही नहीं था क्या? था क्या? ठीक है, चलता। कोई भी कंपनी में सबसे मतलब हेड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे क्रूशियल पोजीशन पे रहता चेयरमैन। बेसिकली या तो उसका स्टेक बहुत ज्यादा है कंपनी के इक्विटी में, या तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए, ठीक है। चेयरमैन सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट लेवल पे रहता। इक्विटी शेयर होल्डर चूज करते चेयरमैन को अगर वो ओनर नहीं है तो, मतलब इक्विटी शेयर अगर उसके पास मेजर नहीं है तो, ठीक है। चेयरमैन के बाद सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये बेसिकली कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है बाकी के, या फिर अलग अलग सेक्टर्स है जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर मैनेजमेंट, ये सब चीजों का हेड है। कोई भी पर्सन डायरेक्टली चेयरमैन को रिपोर्ट नहीं करता, सीईओ को रिपोर्ट करता कोई भी मैनेजर, ठीक है। उसके बाद में आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स या फिर सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स मतलब जो मैनेजमेंट देख रहे कंपनी का, मैनेजमेंट वाला कैपिटल को डिसीजन मेकिंग सीएमडी करते हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर के ही इन लाइन में रहते सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। सीएफओ क्या करते हैं? बेसिकली फाइनेंसेस, जैसे मैनेज सीएमडी या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है एमडी, वो मैनेजमेंट का हेड है, फाइनेंसेस का हेड कौन हुआ? सीएफओ, ऐसे। फिर इनके बाद आते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है, मतलब ये इनके साथ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद आते हैं जनरली डायरेक्टर्स, ठीक है। हम लोगों को कुछ भी अगर कंपनी का डिसीजन जहां से आया है वो रहता चेयरमैन। चेयरमैन के जो भी डिसीजन है उनके लिए गाइडलाइंस या फिर प्लानिंग बनाने का काम ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ये सब करते हैं, ठीक है। और सीईओ चेक करता है कि चेयरमैन का प्लान और मैनेजिंग डायरेक्टर का प्लान चल रहा है क्या, सही से इन लाइन में है क्या, ठीक है। सीईओ खुद प्लानिंग नहीं करता है, ठीक है, नहीं भी समझा तो अभी क्या ही कर सकते, नाम याद कर लेना आगे जाके, ठीक है। एक एग्जांपल अगर बोलू मैं तो रिलायंस के जो, बोलो मुझे कौन हो सकता है चेयरमैन? मुकेश अंबानी चेयरमैन है। सीईओ अलग अलग रहते हैं, ठीक है, मतलब वो बाहर के आउटसाइडर्स को अपॉइंट करते हैं। सीएफओ भी अलग अलग रहते हैं, आउटसाइडर्स को अपॉइंट करते हैं, जनरली सीएस, एमबीएस ये रहते हैं सीएफओ। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर उसका बेटा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ पोजीशन देना है अगर कंपनी में तो मैनेजिंग डायरेक्टर का देंगे वो लोग ऐसे। आपको पता है जो शिवा ग्लोबल है जो लिस्टेड है, उधर के सीएफओ कौन है पता है? उमेश सर है। तो वहां के जो भी फाइनेंशियल चीजें होती है उनके हेड उमेश सर हो जाएंगे ऐसे। ओके, तुमको बेसिकली समझा हम कितने अलग अलग नाम पढ़ने वाले। जनरली चेयरमैन एंड सीईओ सेम रहते हैं बहुत कंपनीज के, ठीक है, क्योंकि एक एडिशनल स्टेप क्यों रखना, सीईओ को भी इन्फॉर्म करो, चेयरमैन को भी करो इसलिए। और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएमडी जनरली एक हो सकते हैं, मतलब वो एक ही एक्चुअली पोजीशन, बट कभी कभी अलग भी रहते हैं, ठीक है। नो बिग डील, तुमको बस मैं इन्फॉर्म करवा रही क्या क्या नाम तुमको पढ़ना है। ओके, नाउ दिस इज एडिशन, एडवेंट ऑफ स्टार्टअप्स, मतलब स्टार्टअप्स क्या चीज है और उसके बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन है। तुम लोगों को याद है क्या, सुपर 30 वाले बच्चे, तुम लोग जब मैं पढ़ा रही थी तुमको ये वाला, तो तुम मेरे को बोले थे मैम स्टार्टअप्स वाला आने वाला है, उधर लिखा हुआ है, क्लैरिफिकेशन आ गया था। तो मुझे तब लगा था कि ये कंपनीज ऐड करेंगे, लाइक बायजूस हो गया, वेदांत हो गया, बट दे डिडंट ऐड एनी कंपनी। उन्होंने बस एक ऐसा पैराग्राफ दे दिए कि स्टार्टअप्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेसेस में, इकोनॉमी में। और अभी तुम लोग शार्क टैंक देखे होंगे तो तुमको बहुत कुछ आइडिया है इसमें। मुझे बोलो कि स्टार्टअप चालू करने वाले पर्सन और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है? न्यू आइडियाज, इनोवेशन,
या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, उन वो लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप मतलब अभी तक जो चीज अवेलेबल नहीं थी पर्टिकुलर एरिया में या फिर वर्ल्ड वाइड, वो इन्वेंट करना, ठीक है, उसका बिजनेस करना। यस, तो स्टार्टअप्स में बेसिकली, एक सेकेंड, यही चीज भी तुमको कि आजकल कौन से स्टार्टअप्स है यहाँ पे, फ्लिपकार्ट, ओयो, क्रेड, उड़ान, जीरोधा, ग्रो, बाइजूस, वेदांतु, ऐसे बहुत सारे न्यू न्यू स्टार्टअप्स है। और ये वो वाले स्टार्टअप्स है जो क्या बोलते हैं, लकीली प्रॉफिटेबल निकले या अच्छा परफॉर्म कर रहे, नहीं तो स्टार्टअप्स में जनरली कंपनीज फेल होते हैं। मतलब क्योंकि न्यू आइडिया है, चलेगा या नहीं चलेगा। तुम लोग वो आइसक्रीम वाला देखे थे क्या, जो बहुत करोड़ मांग रहा था छोटे से इक्विटी के लिए, वो मोरपंख लगा के आया था। स्किपी नहीं रे, स्किपी तो चल रहा अभी, आइसक्रीम वाला था वो, कृष्णा क्या नाम था, गोपाल, हाँ ऐसे कुछ तो नाम था, भगवान कृष्ण का, ठीक है। तो वो फ्लॉप है वो, मतलब उसमें कुछ न्यू नहीं है। तो वैसे बिजनेस को हम स्टार्टअप बोल ही नहीं सकते ऐसे। यहाँ पे एक वर्ड है कि जो भी स्टार्टअप्स है ना, उनको अपना स्टेटस क्यों प्रिवेंट करना पड़ता है, डिस्टर्ब करना, मतलब प्रिवेंट, प्रिवेंटिंग द करंट सिचुएशन, मतलब प्रेजेंटली मार्केट में जो चल रहा है उसके अलावा कुछ नया करना, स्टार्टअप प्रिवेंटिंग द करंट सिचुएशंस विद एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे, मतलब डिजिटलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग ऐसा लिखा हुआ। डिसरप्टिंग स्टेटस को का मीनिंग रहता है प्रिवेंटिंग करंट सिचुएशंस। पैराग्राफ क्या, पैराग्राफ नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे पास ओल्ड मॉड्यूल है, ठीक है, तो ऊपर हेडिंग में लिख दो। प्रिवेंटिंग करंट सिचुएशंस मतलब मार्केट में जो अभी चल रहा है उसको हटा के कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लेके आओ, ये स्टार्टअप्स करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, आपको यूनिकॉर्न वर्ड पता है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है? स्टार्टअप मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ है, और यूनिकॉर्न मतलब ना उसका ग्रोथ हो चुका है, मतलब लोगों को ना पता चल चुका है। यूनिकॉर्न मतलब जिसका वैल्यूएशन $1 billion है, ठीक है। यूनिकॉर्न्स ऐसे स्टार्टअप कंपनीज है जिनका वैल्यूएशन $1 billion हो चुका है। अभी हम लोगों ने जो नाइका एंड ऑल देखे ना, वो यूनिकॉर्न्स है। मुझे बोला स्टार्टअप जो है वो हाईली अनसर्टन है या सर्टन है, प्रॉफिट मेकिंग होगा या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि कुछ न्यू चीज लेके आ रहे हैं, तो लोगों को वो पसंद आना चाहिए या फिर यूजफुल होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे रेट ऑफ फेलियर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? रेट ऑफ फेलियर ज्यादा, बहुत ज्यादा रहता है। कुछ 5-10% स्टार्टअप्स रहते हैं जो ग्रो कर पाते हैं। अच्छा कोई स्टार्टअप है उसका मतलब बहुत बड़ी कंपनी नहीं है वो, ठीक है, बट उसका जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा होने लायक है, ठीक है। वो फाउंडर का एम क्या रहेगा, मोटिव क्या रहेगा कि इस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और फिर लिस्ट करवाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इक्विटी गेन कर पाए उसका, बस इतना ही है इसमें। आपको ये एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं स्टार्टअप कौन सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। या तो वो US $1 billion, हाँ आपका मत। अभी कल हम लोग, एक सेकेंड सुन लो गांव वालों, कल हम लोग कंपनी स्टार्ट करेंगे सीधा, ठीक है, चार्ट लेके रखो नीचे से ऑफिस से,